हाय फ्रेंड्स, आज है संडे 20 फरवरी और हम लोग ऑर्किड का प्लांट खरीदने के लिए आ गए हैं। रेडलैंड्स ऑर्किड मार्केट है यहाँ पे, रेडलैंड पे मायामी का एक जगह है रेडलैंड वहां पे, और वहां पे फार्मर्स मार्केट भी है। अगर हो सके फार्मर मार्केट सैटरडे संडे ओपन होते हैं, अगर आज ओपन रहते हैं तो हम लोग जरूर जाएंगे और आप लोगों को फार्मर्स मार्केट घूम के दिखाएंगे। और फार्मर्स मार्केट पे ही मेरा व्लॉग भी एंड हो जाएगा। रेडलैंड फार्मर्स मार्केट इसका नाम है, बहुत सुंदर। और ये है ऑर्किड का नर्सरी, तो ऑर्किड का नर्सरी बहुत सुंदर है यहाँ का। पर मैंने पहले भी वीडियो किया है, वो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आज उतरा भी नहीं। देखने के लिए बहुत बार आ चुकी हूँ, 8-10 बार तो आ ही चुकी हूँ यहाँ पे। तो हस्बैंड अंदर गए हैं कुछ ऑर्किड्स खरीदने के लिए। वो तो ऑर्किड स्पेशलिस्ट है, नॉट बाय प्रोफेशन बट बाय पैशन वो ऑर्किड स्पेशलिस्ट है। तो ऑर्किड लेने गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का ऑर्किड मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ऑर्किड्स है यहाँ पे। वो आ जाएंगे तो हम लोग रेडलैंड्स फार्मर्स मार्केट पे जाएंगे। मैं ना बहुत बार यहाँ पे आके, ये फार्मर्स मार्केट पे आके मैं नारियल पानी पीती हूँ और सब्जी वगैरह, ग्रोसरीज जो भी हो, दाल हो, बड़ा बड़ा इतना लंबा लंबा लाल मिर्च बहुत अच्छा मिलते हैं, वो मेक्सिकन चीजें, गुआवा, ऐसे चालता बोल के उसका हिंदी या इंग्लिश मालूम नहीं है, शायद एलिफेंट यम होगा, एलिफेंट एप्पल होगा, एलिफेंट यम नहीं, एलिफेंट एप्पल होगा, ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता है। तो एक बंगाली पे चालता बोलते हैं, खट्टा वाला एक वेजिटेबल है, फ्रूट भी बोल सकते हो, मतलब खट्टा वाला है, उसका चटनी होते हैं, वो मिलते हैं, कौदबेल मिलते हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा चीज मिलते हैं, थोड़ा यूनिक टाइप का, जो अमेरिकन ग्रोसरी या इंडियन ग्रोसरी पे नहीं मिलते वो भी मिलते हैं, क्योंकि ये मेनली स्पेनिश स्पीकिंग लोगों का मार्केट है ना, मेक्सिकन लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, पोर्टोरिकन मेक्सिकन ये सब लोग। इसका नाम है रेडलैंड्स फार्मर मार्केट। बहुत कुछ है, हेयर कटरी है वहां पे, हॉट डॉग्स वगैरह बिकते हैं, वो सब हम लोग नहीं खाते हैं, सिर्फ ग्रोसरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खरीदते हैं। तो अभी हस्बैंड आ रहे हैं, तो चलिए अभी फार्मर्स मार्केट चलते हैं। वो है काइंड ऑफ सोर्सेस आ तो ने वो लास्ट टाइम के फुटबॉल में ये जो लंका गुलो को खा लो Thank you.
तो हम लोग निकल के आ गए हैं रेडलैंड्स मार्केट से। ये फार्मा मार्केट मुझे बहुत पसंद है, दाम कुछ कम नहीं। बैगल ब्रदर्स वॉलमार्ट की तरह ही दाम थोड़ा, जीपीएस मुझे बात करने नहीं दे रहा है। सौतेल सौतेला पन नहीं, सौतेन पन कर रहे हैं मेरे साथ जीपीएस। लेडी का एक वॉइस है ना, तो मैं बोलती हूँ मेरा सौतेन सौतेला तो उधर सौतेला भाई बहन, तो सौतेला नहीं सौतेन पन कर रही है। Use the middle two lanes to continue onto Turnpike North toward Eureka Drive. देखा कितना ज्यादा बात कर रही है जीपीएस। तो हम लोगों का स्पेंड हुआ $23 कैश तो कैरी नहीं। कैश तो हम लोग कैरी नहीं करते है ना यूएसए पे। जो लोग इतना टैक्स कुछ जैसे अब समझ लो, पर मेरे हस्बैंड का तो मैंने बोला है गवर्नमेंट जॉब है तो पूरा टैक्स देना पड़ते हैं, तो पूरा रूल मान के सारे चीज पे, गवर्नमेंट जॉब है रूल मान के ही चलते हैं, नेचर भी ऐसे है। तो हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ही चलते हैं, तो कैश बहुत कम कैरी करते हैं हम जैसे लोग कैश यूएसए पे, मिडिल क्लास लोग और उसके ऊपर कैश कम ही कैरी करते हैं। तो $23 पे बहुत सारा कुछ मिला है, तीन बड़ा बड़ा नारियल पानी। तो अभी रेस ट्रैक पे चले आए हैं, ये गैस स्टेशन है गैस भरने के लिए, कार पे चले आए हैं। तो तब ना इतना डिस्टर्ब हो रहे थे और जीपीएस इतना बात कर रही थी तो बात नहीं कर पाई अच्छा करके। तो हम लोग लिया तीन नारियल, मतलब डाब जो बोलते हैं ना ग्रीन वाला, ग्रीन कोकोनट, उसका पानी और अंदर थोड़ा फ्लेश भी है। हम लोग बांग्ला पे इसको शाश बोलते हैं, हिंदी पे मलाई बोलते हैं, वो लिया है। और फिर एक गुआवा, एक राइप पपाया लिया है, पूरा ऑरेंज कलर का पपाया लिया है, और गाजर लिया है, बहुत फ्रेश था। यहाँ पे ना दाम इतना कम नहीं है, वॉलमार्ट और प्रैटेल ब्रदर्स और पब्लिक्स के तरह ही दाम होते हैं, पर फ्रेशनेस जो है फार्म फ्रेश चीजें ऑर्गेनिक चीजें मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीजें भी मिलते हैं, जैसे चालता बोल के जो फल होते हैं अभी नहीं मिला, कौदबेल ये सब अभी नहीं मिला क्योंकि सीजन नहीं है, नहीं तो ठंडे के टाइम पे आप आओ तो आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अरुण्स इंडियन किचन एंड टाको मसाला। तो ये व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ अभी के लिए, टाटा बाय बाय। अरुण्स पे हम लोग लंच करके फिर पैटल ब्रदर्स जाके घर चले जाएंगे। तो अरुण्स के अंदर वो थोड़ा कैफे टाइप का है, बहुत स्टूडेंट जाते हैं वहां पे खाने के लिए और टेक आउट भी लेते हैं, इसीलिए वहां का खाना भी बहुत फ्रेश है। पंजाबी इस रन करते हैं शायद, तो बहुत अच्छा खाना होते हैं वहां पे, खाएंगे
फिर खाके बैटल ब्रदर्स से शॉपिंग करके घर चले जाएंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। चलो, और कमेंट करके जरूर बताना ये व्लॉग कैसा लगा।